अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरम सर, मैं आपको उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम 9th क्लास के केमिस्ट्री का डे नंबर 41 का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? किसी भी मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल की अगर हम तह चढ़ा देते हैं या उसके ऊपर उसकी कोट कर देते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने एक सिल्वर की भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम के अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो तीन मेन कंडीशंस है वो क्या होता है? सेम ऐसे ही जैसे सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग बनी थी, कैथोड हमारे पास होगा इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट का, यानी ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है। वो कोई भी मटेरियल हो सकता है, वो हमारे पास आयरन हो सकता है, वो सिल्वर हो सकता है, वो स्टील हो सकता है, कुछ भी जिस मेटल के ऊपर हमने क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है वो हमारे पास मेटल होता है हमेशा कैथोड पे। उसके बाद हमारे पास जो एनोड है, एनोड बनाया जाता है क्रोमियम का ही, हमेशा एंटीमोनियल एनोड जोन सा होता है वो एंटीमोनियल होता है और ये क्रोमियम का ही होता है। क्यों? क्योंकि क्रोम से आयंस जाएंगे और कैथोड की तरफ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो मेन एक चीज है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने ये कंडीशन पढ़ी हुई थी कि वो हमेशा उस साल्ट का होना चाहिए, उस साल्ट का सॉल्यूशन होना चाहिए, उस मेटल साल्ट का जिसका हमेशा एनोड होता है, मतलब जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है। हमने जब सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ी थी तो वहां पे भी हमने जो सॉल्यूशन यूज किया था, इलेक्ट्रोलाइट यूज किया था, वो सिल्वर के साल्ट का था। आज हम क्रोमियम के साल्ट का सॉल्यूशन यूज करेंगे जिसका नाम है क्रोमियम सल्फेट। अब ये क्रोमियम सल्फेट का सॉल्यूशन तो होता है, लेकिन इस क्रोमियम सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर हम थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड भी डालते हैं। ये इसके लिए कंडीशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम के लिए। क्यों कंडीशन है वो भी मैं आपको बताता हूं। जब आपके यहां से आयंस, एनोड आपने बना दिया क्रोमियम का और कैथोड आपने बना दिया उस इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट का जिसके ऊपर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है, अब चूंकि ये क्रोमियम से इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू आयंस जाएंगे, अब यहां पे देखें ये जो क्रोमियम सल्फेट का आपका सॉल्यूशन है ये बेसिकली रिएक्शन करता है जो क्रोमियम अलहदा करता है और सल्फेट के आयंस अलहदा करता है। अब ये जो क्रोमियम के आयंस अलहदा करेगा वो जाएंगे आपके पास कैथोड की तरफ और जो सल्फेट आपके पास अलहदा किया जाएगा वो सल्फेट इसी सॉल्यूशन के अंदर हल होता जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं इसके दोनों रिएक्शंस की बात करूं, मसलन एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, तो एनोड पे जो रिएक्शन होता है वो होता है सबसे पहले आपने जो बीच में सॉल्यूशन डाला हुआ है, जिसको आपने क्रोमियम सल्फेट का सॉल्यूशन डाला था, तो इसके अंदर पानी भी होता है। अब पानी के अंदर से हाइड्रोक्सल आयंस अलहदा हो जाएंगे, वो जो हाइड्रोक्सल आयंस होंगे वो पानी और ऑक्सीजन अलहदा अलहदा करेंगे और यहां से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ये होता है रिएक्शन एनोड की तरफ। इलेक्ट्रॉन क्यों मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन हमारे पास मिलेंगे और इलेक्ट्रॉन्स ही आयंस लेकर जाएंगे इस इलेक्ट्रोप्लेटेड मटेरियल की तरफ। अब बात करते हैं इसके कैथोड की। कैथोड के ऊपर कौन से रिएक्शंस होते हैं? कैथोड के ऊपर भी हमारे पास सेम रिएक्शन होगा। यहां पे हमारे पास जो कैथोड है यहां से क्रोमियम आयंस जाएंगे किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। यहां पे हमारे पास क्रोमियम आयंस जाएंगे और कहां पे जाएंगे? कैथोड की तरफ। अब ये सिंपल ही हमारे पास ये क्रोमियम प्लस इलेक्ट्रॉन, यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन आया था ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया है और ये क्रोमियम आयंस इकट्ठे जाएंगे किसकी तरफ? यहां पे हमें जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है किसकी करनी है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है हमारे पास क्रोमियम की। तो यहां पे जो प्योर फॉर्म ऑफ क्रोमियम आएगी वो यहां पे आके उसकी एक लेयर चल जाएगी। ये प्रोसेस था पूरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम का। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक। सेम टॉपिक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप किसी भी मेटल की कर रहे हो, किसी भी मटेरियल की कर रहे हो, वो आपके पास मेथड सेम होता है, जस्ट डिफरेंस होगा कैथोड का डिफरेंस होगा, एनोड का डिफरेंस होगा और इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंस होगा। ये सिर्फ तीन चीजों का डिफरेंस होगा, बाकी जो सारा का सारा प्रोसीजर है वो सेम रहेगा। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस है, पहले कौन कौन सी? कि जो आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपने कैथोड में रखना होता है और जिसके ऊपर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है, उस ऑब्जेक्ट को पहले साफ किया जाता है किससे? अल्कलाइन सॉल्यूशन से। अल्कलाइन क्या चीज होती है? अल्कलाइन हमने पढ़ा था कि जो बेस का सॉल्यूशन होता है उसको हम हमेशा अल्कलाइन कहते हैं।
ये हमारे पास अल्कलाइन की एक डेफिनेशन भी आ जाती है कि सॉल्यूशन ऑफ बेस इज कॉल्ड अल्कलाइन। तो अल्कलाइन के साथ या अल्कलाइन डिटर्जेंट के साथ हम सबसे पहले उस मटेरियल को साफ करते हैं, उसके बाद उसको ट्रीट किया जाता है किसके साथ, एसिड के साथ। वो एसिड कोई भी हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ना हो। क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो मेटल के साथ रिएक्शन कर लेगा। मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद आपकी मेटल को बिगाड़ के रख देगा, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के काबिल नहीं रहेगी। इनफैक्ट उसमें से आयंस जाया हो जाएंगे, उसको जंग लग जाएगा, उसको क्रोजन हो जाएगी उसकी। और यहां पे हम जो मेथड पढ़ रहे हैं वो क्रोजन से बचाव के मेथड ही पढ़ रहे हैं, यानी कि जंग लगने से बचाव के मेथड ही डिस्कस कर रहे हैं। और उन्हीं में से एक मेथड है जिसको नाम इलेक्ट्रोप्लेटिंग है और हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो एसिड जिसके साथ आपने इसको ट्रीट करना है, जिसके साथ आपने इसको साफ करना है, वो बहुत ज्यादा वीक होना चाहिए, जस्ट सफाई के लिए के आपकी मेटल के ऊपर जो दाग लगे हुए हैं उसकी सफाई हो, ना कि उसकी सरफेस को डैमेज किया जाए। अब इसके लिए जो तीनों कंडीशंस है, कैथोड कौन सा होगा, एनोड कौन सा होगा, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा, तो इसके लिए जो कैथोड होगा वो हमेशा टारगेट मेटल का होगा। कौन सा टारगेट मेटल? जिसके ऊपर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होगी, वो चाहे आयरन की हो, चाहे सिल्वर की हो, चाहे किसी भी मटेरियल की हो, किसी भी मेटल की हो, वो हमारे पास हमेशा कैथोड की तरफ आएगी। आप कोई भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ले लो, वहां पे कैथोड हमेशा उस टारगेट मेटल का होता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है। उसके बाद बारी आती है एनोड की। एनोड क्या होता है? एनोड हमारे पास हमेशा वो मटेरियल होगा जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होगी। मतलब अगर हम जिंक की तह चढ़ा रहे हैं, मतलब जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, तो जिंक होगा एनोड पर। सिल्वर की कर रहे हैं, सिल्वर होगा एनोड पर। क्रोमियम की कर रहे हैं, क्रोमियम होगा एनोड पर। तो एनोड हमेशा हमारे पास उस मेटल का किया जाता है जिस मेटल की हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको बताया हुआ है कि वो हमेशा सॉल्यूशन होता है उस मेटल के साल्ट का जिसकी इलेक्ट्रोलाइट जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है। जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो जिंक का कोई भी साल्ट का सॉल्यूशन हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। यहां पे आपकी किताब में जो यूज किया गया वो है जिंक सल्फेट। अब सेम इसी तरीके से पूरा का पूरा वही प्रोसेस होगा और जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी उस मेटल के ऊपर जिस मेटल के ऊपर हम चाह रहे हैं।